अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को वाइट बार कबूतर दिखाने वाला हूं, और वो भी ऐसे बहुत ही नायाब और अलग किस्म के वाइट बार। तो दोस्तों, पाकिस्तान की सबसे महंगी और नायाब ब्रीड जिसे नाम दिया गया है वाइट बार, आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। माशाल्लाह, क्या हसीन परिंदे हैं, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और वाइट बार के हवाले से जितनी मालूम है वो सारी इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, जैसे कि कहाँ से ये वाइट बार आए, किसने बनाए, क्या रिकॉर्ड है, इन सब का सारी तफसीलात इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखें। 1 लाख भी इसकी कीमत हो सकती है, 2 लाख भी हो सकती है, 80,000 भी हो सकती है, 60। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है रेहान आज़म और आप लोग देख रहे हैं इस वक्त हमारे यूट्यूब चैनल रेहान आज़म बट्स। तो तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं, जो हमें इंडिया से देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं या फिर किसी भी कंट्री से देख रहे हैं, उसको कबूतरबाजी का शौक रखते हैं तो वेलकम कहते हैं। तो दोस्तों, पिछले दिन हमें व्हाट्सअप पर हमारी बात हुई अरसलान भाई से, ऑस्ट्रेलिया में जो रहते हैं ना, उन्होंने कहा रेहान भाई यार हमारा सेटअप है, आप उधर जाए, आप वीडियो कवरेज करें। आज हम मौजूद हैं अरसलान भाई ऑस्ट्रेलिया वाले, उनके सेटअप पर माशाल्लाह बहुत ही अलग किस्म के इन्होंने कबूतर रखे हुए हैं, और जो कबूतर की नायाब नस्लें इनके पास है ना, आप देखेंगे आपको मज़ा आ जाएगा। इस वक्त जो कराची में सबसे ज़्यादा डिमांड की जाने वाली नस्ल जो है वाइट बार, माशाल्लाह अलग किस्म के आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, और इन कबूतरों के बारे में तमाम तर तफसीलात से आप लोगों को इस वीडियो में आगाह करूँगा। वीडियो के एंड तक देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, इस वक्त अरसलान भाई के बड़े भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम इन्हीं के सेटअप पे मौजूद हैं, जितने कबूतर हैं वो सारी इनकी मेहनत है। आइए इनसे बात करते हैं, उनके शौक के हवाले से थोड़ा सा मजीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत से हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, इस वक्त आपके पास टोटल सेटअप पे कितने कबूतर मौजूद हैं? इस वक्त तकरीबन माशाल्लाह से कोई 7-750 कबूतर हैं मेरे पास। 7-750। दोस्तों, ये हमारे सेटअप पे पहली वीडियो बनने जा रही है जो हम 7,750 परिंदा कवर करके आपको दिखाने वाले हैं। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा, जो वाइट बार की नायाब नस्लें हैं, ये सारी आपकी घर की ब्रीड है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अपने घर की मेरी ब्रीड है, मेरी अपनी मेहनत है। वाइट बार गंडेदार है मेरे पास, बनारसी गंडेदार है। अच्छा, बहुत अच्छे कलर में कबूतर हैं, सही पॉइंटेड कबूतर हैं, हमारे घर की अपनी जेन्युइन ब्रीड है। दोस्तों अभी मैं आपको बनाई है हमने ये ब्रीड, ठीक है। दोस्तों अभी मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा आज की वीडियो में जो नायाब नस्लें मैं आपको दिखाने वाला हूं, आज से पहले हमने अपने चैनल पे नहीं दिखाई, ना ही शायद आप लोगों ने कभी देखी होगी। अच्छा सर, हमें ये बताएं, इस वक्त आपके लड़ान वाले कबूतर भी है ना? टोटल कितने कबूतर हैं लड़ने वाले? मेरे पास 150 है। 150 कबूतर है। अच्छा, शौक किसके साथ हो रहा है? इस पर जाकिर पहलवान से शौक हो रहा था भाई। अच्छा, और आगे मंसूर है। अच्छा, और काफी लोग हैं जिनसे मेरा शौक चलता रहता है। चलें, ठीक है। चलें दोस्तों, अभी मैं आपको इनकी कलेक्शन दिखाता हूँ, साथ ही साथ हम जितनी भी तफसीलात हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ठीक। तो दोस्तों ये देखें, अभी जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ये सारी वाइट बार की नस्लें, बहुत ही नायाब एक्सपेंसिव। देखें सारे कबूतर निकल रहे हैं, ये देखें। तो दोस्तों 750 परिंदा इस सेटअप पे मौजूद है, मैं आपको सारा कवर करके दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ठीक है, और कोशिश करूंगा कि वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करूं, एक मैं आपको सिर्फ वाइट बार दिखाऊंगा, दूसरे में इनके जो फाइटर कबूतर है ना, वो अगले पार्ट में मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगा। तो माशाल्लाह चेक करें, इस वक्त जो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा नायाब नस्ल दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, वो वाइट बार है। ऐसे ही है सर, वाइट बार सबसे नायाब है इस वक्त पाकिस्तान की। नई जिद्दत है मार्केट में, नया शौक है मार्केट में, नया शौक है। दोस्तों ये चेक करें वाइट बार, माशाल्लाह चेक करें दोस्तों इनके कलर, वाइट बार ओरिजिनल, माशाल्लाह माशाल्लाह कलर देखें दोस्तों। दोस्तों ये देखें, एक इसमें आरचंदन भी है, दूसरा ये जोगिया गंडेदार, माशाल्लाह। दोस्तों ये वाला देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह गोल्डन गोल्डन से कितना प्यारा कलर है इसका। दोस्तों इस वक्त माशाल्लाह बहुत ही एक्सपेंसिव। अच्छा सर, आप हमें ये बताएंगे, ये टोटल इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड क्या होगी ये कबूतर की वाइट बार की? देखिए भाई, ये तो शौकीन पे डिपेंड करती है बात। अच्छा, कि वो कितना नायाब कबूतर खरीद सकता है। अच्छा, और जिसने शौक करा हुआ कबूतर भी इतना नायाब होना चाहिए। सही, तो शौक की कोई कीमत नहीं है। बिल्कुल, साफ सुथरी बातें पसंद आने पे बातें शौकीन के। सही, वैसे इसकी एक डिमांड मतलब ज्यादा किसी को पसंद आ गया हो? 1 लाख का भी है, 80,000 का भी है, 1.5 लाख का भी है, 2 लाख का भी है। देख रहे हैं दोस्तों ये वाइट बार बहुत ही नायाब नस्ल है, तो ये शौकीन के ऊपर है, जिसको पसंद आ गया तो वो इस कबूतर के 2 लाख भी दे सकते, 80,000 भी दे सकता है, 60,000। वाइट बार घाघरा ही ये वाला, ये देखें दोस्तों, ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए। ये देखें दोस्तों,
ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों आप लोग अक्सर मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं ना, मुझे पर्सनल में भी कहते हैं रेहान भाई यार आप हमें बिजनेस करना है बर्ड्स में तो कौन से कबूतर रखें, तो भाई आज ये देख लें नायाब कबूतर दिखाने वाला हूँ। 1 लाख भी इसकी कीमत हो सकती है, 2 लाख भी हो सकती है, 80,000 भी हो सकती है, 60,000 भी हो सकती है, ठीक है। ये देखें दोस्तों एक और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखें दोस्तों कितना, ये देखें दोस्तों कैसा नायाब से सही सही हुई इसी तो, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये सारी होम ब्रीड है, घर के पटे घर की ब्रीड है। इस ब्रीड का आगाज तो मुशर्रफ भाई ने किया था ना, आज से काफी अर्सा पहले, आज से तकरीबन कोई 20 साल पहले। दोस्तों आज से 20 साल पहले ये मुशर्रफ भाई ने ये ब्रीड का वो किया था, आगाज किया था, माशाल्लाह से उनकी मेहनत की। लेकिन अब ये इन ब्रीड को बढ़ाने में हमारे, आपका नाम इमरान अरसलान भाई के बड़े भाई हैं इमरान भाई, इनका हाथ है। ये देखें कितनी एक्सपेंसिव ब्रीड, देखें माशाल्लाह से लाजवाब यार। ये देखें दोस्तों एक एक कबूतर मैं आपको फोकस करके दिखाऊंगा, बड़ी जबरदस्त वीडियो बनने वाली है। देखें ये चेक करें, फिरोजन काबरा कहते हैं दोस्तों, फिरोजन काबरा कहलाता है। ये देखें माशाल्लाह 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 दोस्तों चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त, सारा एक जैसा परिंदा है इसमें। देखें एक इसमें हरचंदन भी है, मैं आपको एक एक परिंदा दिखाऊंगा दोस्तों जूम करके, देखें फुल काबरा है भाई। दोस्तों ये देखें माशाल्लाह से कितने सारे परिंदे हैं इस वक्त, ये सिर्फ जितने भी आप बाहर देख रहे हैं ये सारे इनकी घर की ब्रीड है, वाइट बार है। इनके लड़ान वाले कबूतर हैं वो अलग है, मैं आपको सारा पूरा सेटअप कवर करके दिखाऊंगा, कहीं मत जाइएगा वीडियो का एंड तक देखिएगा। दोस्तों ये वाला काबरा देखें माशाल्लाह, लालबंद काबरा देखें, इसके साथ दूसरा काबरा देखें लालबंद काबरा। दोस्तों ये देखें गंडेदार चेक करें, ये देखें लालबंद कह रहा है बनारसी गंडों का, ठीक है माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त। अच्छा सर इमरान भाई, अगर कोई बंदा कहे कि यार इनमें से हमें कुछ परचेस करने कबूतर खरीदने तो मिल जाएंगे? अच्छा प्राइस अगर आप बताना चाहें तो, ताकि हमारे देखने वालों के लिए आसानी हो जाए। इन पे डिपेंड करती है भाई कि इसको किस मियार का कबूतर चाहिए, कितनी जेन्युइन ब्रीड चाहिए, सही, और कबूतर कौन सा चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग अक्सर मुझे कमेंट्स कर देना रेहान भाई यार दिलवा दो अच्छे कबूतर, महंगे कबूतर रखने हमने जोड़े के लिए, तो भाई देख लो ये कबूतर अगर आप लोगों को पसंद आते तो मैं बात कर लूँगा इंशाल्लाह, आपको अरेंज करवा के दे सकते हैं। बहुत ही नायाब नस्ल है, बहुत ही मेहनत है इस ब्रीड को बनाने में, ये देख रहे हैं माशाल्लाह सेटअप देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। दोस्तों ये देखें ये वाला माशाल्लाह भाई माशाल्लाह बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही महंगे कबूतर हैं वाइट बार, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा महंगी और नायाब ब्रीड यही है भाई वाइट बार, और ये ब्रीड भी पाकिस्तान की है, सही है। मुशर्रफ भाई ने माशाल्लाह बहुत अच्छी मेहनत की है इन पर, मुशर्रफ भाई ने अपना एक नाम बनाया वाइट बार से, और अभी तक माशाल्लाह मुशर्रफ भाई के पास भी है। और देखें अभी तो ये ब्रीड आम हो गई है लेकिन अभी तक महंगी है भाई, अभी तक इसकी डिमांड है। दोस्तों देखें गंडे कैसे चमक रहे हैं सारे कबूतरों के, माशाल्लाह वाइट बार की यही स्पेशलिटी है। ये वाला देखें दोस्तों माशाल्लाह से अलग ही चमक है, देखें इनमें अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए। दोस्तों माशाल्लाह कमेंट्स में लाजमी लिखिएगा। दोस्तों ये देखें ये वाला माशाल्लाह माशाल्लाह घाघरा दुम देखें दोस्तों, उसकी कितनी शाइनिंग है माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों ये वाला देखें, ये कैसा गोल्डन गोल्डन सा हो रहा है, गंडे उसके खराब ही काबरे के पास माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों ये मैं आपको एक और दिखा रहा हूँ,
ये इस वक्त दोस्तों मैं भी आप लोगों को वाइट बार का सेटअप दिखा रहा हूँ। इनके फिर जो लड़ान वाले कबूतर हैं जो एक्स्ट्रा हैं वो फिर आप लोगों में नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। वीडियो को थोड़े पार्ट में डिवाइड कर दूंगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस वीडियो में सिर्फ आपको वाइट बार का शौक दिखाने वाला हूँ मैं आप लोगों को। ये देखें दोस्तों, ये अलग ही चमक है कबूतर। दोस्तों माशाल्लाह से काफी मेहनत हुई है इन कबूतरों पे, देखें बड़ी ही मेहनत और बहुत ही प्यार से और बड़े शौक से दोस्तों ये देखें ये कलेक्शन जमा हुई है। वो घाघरा शेरा दिखा रहा, वो जो घाघरा शेरा वो ऊपर ये मुख्तार है। हाँ दिखा दोस्तों ये वाला दिखा। दोस्तों एक एक परिंदा मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, कोई कबूतर मिस नहीं होगा। ये देखें ये वाला देखें दोस्तों, ये देखें दोस्तों, ये देखें ये बैठा हुआ है, इसका चेहरा इधर की तरफ। हाँ दोस्तों ये देखें, ये भी छोटा पट्टा है दोस्तों। ये कबूतर देखें कैसे गोल्डन गोल्डन सा हो रहा है माशाल्लाह, फेस देखें कितना प्यारा है माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अल्लाह पाक नजरे बस से बचा है भाई, बहुत ही एक्सपेंसिव और बड़ी ही मेहनत से देखें ये ब्रीड पे काम किया गया है। मैं आपको फोकस करके एक एक परिंदा दिखा दूंगा दोस्तों, देखें माशाल्लाह कितने नायाब और बहुत ही अच्छे परिंदे हैं, अल्लाह पाक नजरे बस से बचाए दोस्तों। ये देखें ये वाइट बार पट्टा मैं आपको दिखा रहा हूँ, बैठक चेक करें माशाल्लाह किसी प्यारी हो जा रहा है आगे। चलें दोस्तों वाइट बार का बंद होने का टाइम हो गया है, अभी मैं आपको दूसरे कवर करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखें सब कबूतर कैसे अंदर जा रहे हैं। ये वाला देखें दोस्तों, ये वाला ये दुम पे शेड बना हुआ है बहुत ही प्यारा। ले चलें फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो हमारी आप लोगों को पसंद आई हो। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को अरसलान भाई ऑस्ट्रेलिया वाले उनका सेटअप दिखाया था, उनके कबूतर दिखाए थे माशाल्लाह, बहुत ही आला किस्म के परिंदे उन्होंने रखे हुए थे। अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए, उनके शौक में इजाफा करे। बड़ा मज़ा आया, तकरीबन दो घंटे का डेढ़ घंटे का तकरीबन सफ़र तय करके आए थे। परिंदे माशाल्लाह इतने प्यारे रखे थे, परिंदा देख के सारी सफ़र की थकान ही दूर हो गई। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो हमारी आप लोगों को पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।